नमस्कार वकील, आपका मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ एडवोकेट शिवानी गुप्ता भी बनी हुई है। थैंक यू। आज हम बात करेंगे कानून को लेकर के, साथ ही साथ आपको बताएंगे सीनियर सिटीजन को लेकर के क्या कुछ कानून है और उनको क्या कुछ करना चाहिए, और उसके बाद हम इनकम टैक्स के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, कानून में साक्ष्य या एविडेंस का क्या कुछ महत्व होता है? देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रभाव में आने के बाद जो जितने भी लॉ लागू हुए, यानी जितने भी कानून प्रभाव में आए, उन सारे प्रभाव के बैकबोन के रूप में इंडियन एविडेंस एक्ट है। हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत आवश्यक है कि एविडेंस यानी साक्ष्य होता क्या है जी। चाहे वो सिविल नेचर का केस हो, चाहे वो क्रिमिनल नेचर का केस हो, चाहे किसी अन्य एक्ट से रिलेटेड केस हो, जिसका जुडिशियल प्रोसेस होगा उसमें एविडेंस की ग्राह्यता होगी, यानी एक्सेप्टेंस होगी। एविडेंस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, एविडेंस एक्ट को 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, और 11 चैप्टर के साथ में इसमें 1 to 167 सेक्शंस हैं, जिन सेक्शन में जो भी डिफिनेशन दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हर एक्ट का ट्रायल यानी जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। एविडेंस एक्ट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी केस के बारे में फैक्ट यानी केस के जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, फैक्ट इन इशू यानी वाद बिंदु, वाद से संबंधित जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं के सराउंडिंग जो एविडेंस है जिसके आधार पर ट्रायल डिसाइड होगा अर्थात निर्णीत होगा, ये बहुत आवश्यक है। यानी फैक्ट, फैक्ट इन इशू, उसके बाद थर्ड नंबर पे रेलिवेंट फैक्ट आता है, यानी सुसंगत तथ्य जो जुडिशियल प्रोसीजर करने वाले ऑफिसर द्वारा एक्सेप्ट किया जाते हैं तथ्य, वो तथ्य रेलिवेंट होंगे। रेलिवेंट जो नहीं होंगे वो तथ्य भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, वहाँ पर डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर को राइट प्रोवाइड किया गया है। और जो एक्ट है, उस एक्ट में हम अगर इसको चैप्टर वाइज बात करते हैं तो 1 to 4 सेक्शन तक फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन किया गया है, और 5 सेक्शन से लेकर के 55 सेक्शन तक चैप्टर 2 में डिसाइड किया गया है। इसी तरीके से जो 11 चैप्टर्स हैं उनमें 167 सेक्शंस को डिवाइड किया गया है जी। धर्मेंद्र जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, गौरी शंकर हैं ऋषिकेश से, अपना सवाल पूछ लीजिए। मेरा एक रिविजन पेटिशन था नेशनल कमीशन उपभोक्ता का दिल्ली के अंदर की, उपभोक्ता नेशनल कमीशन उपभोक्ता का है कि उसमें मेरा एक रिविजन पेटिशन था, वो एक जज ने मेरे खिलाफ ऑर्डर दे दिया, क्या उपभोक्ता एक्ट में एक जज फैसला दे सकता है कि फाइनल ऑर्डर? देखिए, कंज्यूमर फोरम में जो स्पेसिफिक एक्ट प्रोवाइडेड है जिसके अकॉर्डिंग जो भी कंज्यूमर है उसको लीगल रेमेडी देने के प्रोविजंस हैं। आपका रिवीजन जो आपने अपीलेट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, यानी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया, रिवीजन के लिए जो लॉ है वो बहुत ही स्पेसिफाई है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई लीगल कमी है या लीगल इग्नोरेंस है, अगर ऐसा कोई इशू है तो निश्चित रूप से आपका रिवीजन एक्सेप्टेबल है और उस रिवीजन में आपको रिलीफ मिलना चाहिए। रिवीजन के लिए आपका जो अधीनस्थ न्यायालय का आदेश है, उस आदेश में यदि कोई कानूनी कमी है, उस कानूनी कमी को आपके आपके द्वारा और आपके एडवोकेट के द्वारा निश्चित रूप से अपने पिटीशन में डिस्क्राइब किया गया होगा। यदि उस कानूनी कमी को जो अपर न्यायालय है उसने अवलोकित किया और उसे लगता है कि निचली अदालत के आदेश में ये लीगल पॉइंट्स को इग्नोर किया गया है, इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो निश्चित रूप से रिवीजन एक्सेप्ट हो सकता है, और रिवीजन एक्सेप्ट होकर के रिमांड करने के ऑर्डर हो सकते हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय को पुनः आपके फैक्ट इन इशू पर हियरिंग करने के ऑर्डर्स हो सकते हैं, और अपर कोर्ट अगर चाहे तो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड भी कर सकती है। आपके रिवीजन में बस लीगल एस्पेक्ट्स को
जो आपके द्वारा या आपके एडवोकेट के द्वारा प्रेजेंट किया जाना है उसको बहुत ही गंभीरता से प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। जी गौरीशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ मेरठ से उमेश जैन जुड़ चुके हैं, सवाल पूछ लीजिए अपना। नमस्कार उमेश जी, नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि लोकायुक्त में विवाद फाइनल कर दिया और उसमें कारण नहीं पाया। मैं 3 महीने से रिव्यू की दरखास्त दे रहा हूँ, उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे। उमेश जी आपका धन्यवाद, आपने पहले भी इस विषय पर क्वेश्चन पूछा था। आपने जो लोकायुक्त महोदय जो जस्टिस मिश्रा का अपॉइंटमेंट हुआ लोकायुक्त के रूप में, उनके जिनके द्वारा जुडिशियल प्रोसेस किया जाता है वो बहुत ही गंभीरता से और त्वरित किया जाता है, क्योंकि लोकायुक्त महोदय के समक्ष मेरी भी कुछ स्पेशल केसेस में अपीयरेंस है। आपने जो रिव्यू पिटिशन दी है लोकायुक्त महोदय के समक्ष, उस रिव्यू पिटिशन में आपको वो फैक्ट जो ऑर्डर पहले हुआ है उसमें इग्नोर हुए हैं या उसमें कंसीडर नहीं हुए हैं, उन फैक्ट को रिटर्न में एफिडेविट के साथ लोकायुक्त महोदय के समक्ष देना चाहिए था। यदि आपने एप्लीकेशन और एफिडेविट के साथ में लीगल फॉर्मेट में दिया है तो लोकायुक्त महोदय उसमें अपने स्वविवेकानुसार आवश्यकता महसूस कर होती है तो वो नोटिस जारी करके पुनः फैक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, यानी फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, इन सबको वो समन कर सकते हैं। और अगर उन्हें ये महसूस होता है कि आपके जो एफिडेविट में कंटेंट्स लिखे हैं उन कंटेंट्स को वाकई में पहले पारित आदेश में नहीं देखा जा सका है भूलवश, तो रिव्यू को एक्सेप्ट करते हुए उस आदेश को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको रिव्यू पिटिशन में लोकायुक्त महोदय के समक्ष अपीयर होकर अपने तथ्य को रखना चाहिए या आपके एडवोकेट को रखना चाहिए। यदि आपके द्वारा लोकायुक्त महोदय के समक्ष अपीयरेंस होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके केस में त्वरित रिव्यू पिटिशन पे निर्णय आएगा। जी उमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। धर्मेंद्र जी हम बात कर रहे थे साक्ष्य के बारे में, आप बता रहे थे अपनी बात पूरी करने। एविडेंस एक्ट के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि प्रोसेस किसी भी एक्ट से रिलेटेड हो जो जुडिशियल हो उसमें एविडेंस का बहुत महत्व है, क्योंकि एविडेंस के माध्यम से ही केस की जो नवयत है यानी नेचर ऑफ द केस है उसका डिसीजन कोर्ट द्वारा लिया जाता है। अब यहाँ पर मैंने अभी दर्शकों को बताया कि जो केस है उससे रिलेटेड फैक्ट, फैक्ट इन इशू और उसके साथ ही साथ जो रेलिवेंट फैक्ट हैं उन पर अगर बल दिया जाए न्यायालय के समक्ष, साक्ष्य 3 तरीके से प्रेजेंट किए जा सकते हैं। पहला ओरल एविडेंस, दूसरा रिटेन और डॉक्यूमेंट एविडेंस, एंड थर्ड जो एक्ट में संशोधन हुआ उसके आधार पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एक्सेप्ट किया गया एविडेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो जो एविडेंस के तरीके हैं वो 3 ही हैं, आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, आप रिटेन में एविडेंस रिटेन या एविडेंस के रिटेन एविडेंस या उसके साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं, और थर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एविडेंस आपने कलेक्ट किया है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कलेक्ट किया है उसको भी आप एविडेंस के रूप में दे सकते हैं। इन तीनों एविडेंस को कोर्ट अपने ज्यूडिशियल प्रोसेस में एक्सेप्ट करती है और उसके आधार पर डिसीजन करती है। अब बात आती है सेक्शन की, तो अगर हम सेक्शन 6 की बात करते हैं एविडेंस एक्ट में, तो सेक्शन 6 में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी एविडेंस है उस एविडेंस को कोर्ट को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद जो और सेक्शंस हैं उनमें सेक्शन 17 से लेकर 31 तक जो प्रोविजंस हैं उसमें एडमिसेबल की बात की गई, यानी स्वीकारोक्ति, कौन से साक्ष्य स्वीकार होंगे कौन से नहीं होंगे। हमारे साथ इंदौर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जेपी राजपूत, सवाल पूछ लीजिए अपना। सर हमारा सवाल ये है कि हमारी बच्ची का स्कूल में नाम संयोगिता राजपूत था। जी जी सवाल पूरा करिए। हाँ तो उसका और जब आधार कार्ड और वो वोटर आईडी बनी उसमें संगीता राजपूत कर दिया है, अब उसको दिक्कत आ रही है पैन कार्ड और इसमें बैंकों में, तो उसका नाम कैसे सही होगा इसके बारे में जानकारी लेना है। जी
देखिए, आधार कार्ड में जो नाम आपके कथनानुसार सही तरीके से प्रिंट नहीं हुआ या हो नहीं पाया, तो आप आधार कार्ड में संशोधन करा सकते हैं। जहाँ पर आपने आधार कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किया था, उन्हीं उन्हीं के पास जाके आपको एक फॉर्मेट होता है कंप्यूटर पे, उस फॉर्मेट में अमेंडमेंट यानी संशोधन किए जाने की आप प्रेयर कर सकते हैं, और वो जो आधार है उस आधार में नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में, जहाँ जो त्रुटि है उसका निवारण हो सकता है और नया आधार कार्ड जनरेट होके आपको मिल सकता है। इसके बाद आप, अगर आपको लगता है कि आधार कार्ड के आधार पे ही आगे आपके जो पैन पैन कार्ड है या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें संशोधन कराना है, तो उसी को प्रेजेंट करते हुए आप एक एफिडेविट और एप्लीकेशन देते हुए हर डॉक्यूमेंट में अपने सही नाम को संशोधित करा सकते हैं। जी जी फिर राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और हमारे साथ जगदीश जुड़ चुके हैं नैनीताल से, सवाल पूछ लीजिए अपना। नमस्कार जी, मेरा सवाल है, वर्ग चार की भूमि में बिक्री हो सकती है या नहीं, और उसको कब्जा हो सकता है या नहीं? आपसे अनुरोध है, आपके प्रश्न को पुनः आप दोहराइए। हाँ जी, मेरा सवाल है, वर्ग चार की भूमि बिक्री हो सकती है या नहीं, और उसमें किसी का कब्जा हो सकता है या नहीं? देखिए, पोजेशन की जहाँ तक बात है, पोजेशन कोई कहीं भी कर सकता है, उसको एविडेंस एक्ट में और जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग लीगल पोजेशन इलीगल पोजेशन में डिफाइन किया गया है। जो भी पोजेशन होगा वो पोजेशन लीगल नहीं होगा, क्योंकि जो लैंड है उस लैंड का टाइटल उनके नाम से नहीं होगा, और जब टाइटल जो एब्सोल्यूट राइट है टाइटल के, जब तक वो नहीं होंगे तब तक लैंड को ट्रांसफर भी नहीं किया सकता है। टाइटल, एब्सोल्यूट टाइटल किसी भी लैंड का और लीगल पोजीशन, दो चीज़ें होने के बाद ही किसी लैंड को ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि एब्सोल्यूट पोजीशन और एब्सोल्यूट टाइटल दोनों में डिफेक्ट है तो लैंड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो हमने साक्ष्य के बारे में बात करी, धर्मेंद्र जी ने साक्ष्य के बारे में बताया। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके मन में जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं अपने दर्शकों को एविडेंस एक्ट के बारे में डिफाइन कर रहा था कि एविडेंस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में कोई भी केस करने वाला व्यक्ति, चाहे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हो, हम अगर एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 101 से लेकर के 115 तक जो प्रोविजंस हैं उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कही गई है, और जो फैक्ट हैं उन फैक्ट को प्रूफ कौन कर सकता है? प्रूफ वो कर सकता है जिसको उससे रिलीफ चाहिए यानी उपशम चाहिए। तो एविडेंस एक्ट किसी भी दूसरे एक्ट को जिसके संबंध में ट्रायल, जी ज्यूडिशियल ट्रायल पेंडिंग है, उसमें एक बैकबोन का काम करती है, और इस एविडेंस एक्ट के लाइट में ही जी जुडिशियल ऑफिसर जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए जजमेंट करते हैं। जी हमारे साथ राजू जुड़ चुके हैं गोरखपुर से, सवाल पूछें। मैम, ये मेरा सवाल है कि जैसे मेरे सारे डॉक्यूमेंट में मेरा राजू कुमार है, और जो मेरी मार्कशीट है उसमें राजकुमार से है। ठीक है धर्मेंद्र जी, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स में इनका नाम राजू है और जो इनकी मार्कशीट है उसमें राजकुमार लिख गया, तो इनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो आपकी मार्कशीट है उस मार्कशीट में आपने अपने क्लास को नहीं बताया, यानी किस क्लास की मार्कशीट है, 10th की है, 10+2 की है, या आपने कोई डिग्री ली है, डिग्री की है। अगर आपके 10th या 12th में मार्कशीट में आपका नाम आपके अकॉर्डिंग गलत हो गया है, तो आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके समक्ष प्रार्थना पत्र देना चाहिए, और प्रार्थना पत्र देते हुए अपने नाम को संशोधित कराना चाहिए। यदि आपको लगता है कि मार्कशीट का नाम ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में, आधार या अन्य डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम गलत तरीके से दर्ज हो गया है, तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स के लिए जो जो फोरम है, चाहे वो आधार के लिए आप इंटरनेट के माध्यम से जो प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस में अमेंडमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं, और दूसरे पैन के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके पैन में आपका सही नाम दर्ज कर लिया जाए। सामान्य तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसीडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी 10th की मार्कशीट में जो नाम होता है वही नाम अदर डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स और आपके मार्कशीट दोनों में डिफरेंस है
तो इसमें आपको आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आपको दोनों में से एक जगह जहां आपको ठीक लगता है वहां पर आपको नेम में अमेंडमेंट करा लेना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ गिरधारी लाल जुड़ चुके हैं महाराजगंज से, सवाल पूछें अपना। हेलो सर। जी नमस्कार, सवाल पूछें। सर मैंने अपने बेटी की शादी किया था। गिरधारी लाल जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर लीजिए। हेलो सर। जी सवाल पूछें। सर सवाल पूछें, आपकी आवाज आ रही है। लगता है संपर्क टूट गया, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम साक्ष के बारे में, धर्मेंद्र जी जैसे बताया कि क्या कुछ उसमें महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ क्या कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। हर एक जानकारी धर्मेंद्र जी ने दी है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर कानून से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है या फिर किसी चीज़ को लेकर के कानून से जुड़ा है कोई सवाल आपके मन में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। धर्मेंद्र जी बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। दीवानी और फौजदारी मामलों में साक्ष्यों को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए? देखिए मैंने जैसा दर्शकों को पहले बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट हर जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए एक बैकबोन के रूप में है। जी सिविल नेचर के केस में या क्रिमिनल नेचर के केस में एविडेंस का बहुत महत्व है और एविडेंस के आधार पर ही जुडिशियल प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करते हैं यानी सीआरपीसी की बात करते हैं, तो सीआरपीसी में सेक्शन 2I में जो प्रोविजंस हैं उसमें एविडेंस को कैसे एक्सेप्टेंस दी जाएगी उसको डिफाइन किया गया है। इसी प्रकार यदि हम सिविल नेचर की बात करते हैं, सिविल नेचर के केस की बात करते हैं अर्थात सीपीसी की बात करते हैं, तो सीपीसी में ऑर्डर 19 रूल 1 में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग एविडेंस जो है उसको कोर्ट कैसे एक्सेप्टेंस देगी, उसकी ग्राह्यता कैसे होगी, इसको डिफाइन किया गया है। धर्मेंद्र जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदाशिव हैं प्रयागराज से, सवाल पूछ लीजिए। सदाशिव जी सवाल पूछिए। हेलो, मैं वो विल के बारे में पूछना चाहता था कि विल में कितने का स्टाम्प लगता है, क्या वो रजिस्ट्री कराना जरूरी है? देखिए कोई भी विल का डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स आपका विल का है उस पर कोई भी स्टैंप आपको पे करने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 उसमें विल में किसी भी स्टैंप को पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आपके क्वेश्चन के रिप्लाई में कि विल रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, लेकिन विल की जेन्युइनिटी, उसकी जो लीगलिटी है उसके बारे में यदि कोई चैलेंज होता है तो वो चैलेंज कोर्ट के समक्ष किया जा सकता है और कोर्ट के वर्किंग के यानी जुडिशियल प्रोसेस के डिसाइड होने के साथ उसकी जेन्युइनिटी को भी डिसाइड किया जा सकता है। रजिस्टर्ड विल में कोई भी स्टैम्प देने की आपको जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड विल पेन पेपर पर यानी विल को इच्छा पत्र भी कहते हैं, जो वसीयत करने वाला व्यक्ति है वो अपने मृत्यु से पूर्व अपनी चल अचल संपत्ति को अपनी मृत्यु के बाद किसको किस तरीके से देना चाहता है इसको डिफाइन किया जाता है। और इच्छा पत्र में कोई आवश्यकता नहीं है किसी स्टैम्प को देने की और किसी रजिस्ट्रेशन को कराने की। आप चाहें तो रजिस्टर्ड करा लें, रजिस्टर्ड करा लेने से कोर्ट में उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाती है। और यदि हम बात करते हैं विल को आगे प्रोबेट कराने की, तो जब प्रोबेट कराने के लिए हम कोर्ट के जुडिशियल प्रोसेस में जाते हैं तो वहाँ पर रजिस्टर्ड विल को ही एक्सेप्ट किया जाता है, जो अनरजिस्टर्ड विल है उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती है। उसके भी प्रूफ करने के लिए आपको डिक्लेरेशन सूट सिविल सूट के रूप में फाइल करना होता है और अनरजिस्टर्ड विल भी आपकी लीगल हो जाती है। जी कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गिरधारी लाल जुड़ चुके हैं महाराजगंज से, सवाल पूछ लीजिए अपना। गिरधारी लाल जी सवाल पूछिए। हमारे साथ बहराइच से अजय जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए अपना। एक दुकान है जो हमारे दादा ने किराए पे दिया था, उसको खाली नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? देखिए चाहे वो कॉमर्शियल शॉप हो चाहे रेजिडेंशियल हाउस हो, सबसे किराएदार को बेदखल करने का एक प्रोसेस है।
यदि आपकी बिल्डिंग रेंट कंट्रोल एक्ट में आ रही है, रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 के अंतर्गत आ रही है, और आपका जो टेनेंट है वो 1976 के आसपास का है या उसके बाद वो अलॉटमेंट करा के आया है, तो उसको एजेक्टमेंट करने के लिए आपको अपनी नीड यानी आवश्यकता दिखानी होगी, और उसके बाद आपके दादाजी ने उसको जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे टेनेंसी दी थी उन टर्म्स एंड कंडीशन को यदि किराएदार फुलफिल नहीं कर रहा है तो भी आपको उसको इजेक्टमेंट कराने की यानी उसको बेदखल कराने के अधिकार हैं। आप रेंट कंट्रोल एक्ट में उसके बेदखली की कार्रवाई कर सकते हैं, आप लघुवाद प्रस्तुत करते उसकी बेदखली कार्रवाई कर सकते हैं, आप सिविल सूट के माध्यम से भी उसके बेदखली की कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बेदखल करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसको नोटिस देना होगा किसी एडवोकेट के माध्यम से। उस नोटिस में जो जो उसने आपकी टर्म्स एंड कंडीशन थी आपके दादाजी के समय से या नहीं थी, उसके बावजूद मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो जेन्युइन टर्म्स एंड कंडीशन लीगली होनी चाहिए उसका भी वायलेशन अगर वो कर रहा है, मैं आपके एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, यदि वो आपके दुकान का जो दुकान का स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहा है, यदि वो रेंट नहीं दे रहा है, यदि वो जो भी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और इन सब एक्ट के साथ वो आपके साथ दुकान खाली करने के लिए रजामंद नहीं है, तो आप उसको बेदखली कार्रवाई कर सकते हैं। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि आपको यदि वास्तविक आवश्यकता है आपको आपके बच्चे को आपके परिवार में किसी को कि आपकी उस दुकान से रोजी रोटी चल सकती है अपने व्यवसाय करने के साथ, तो आप निश्चित रूप से बेदखली का वाद ला सकते हैं और उसको बेदखल करा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज सभी दर्शकों से एक अपील करना चाहती हूं कि आप जब भी हमें कॉल करें आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दें। बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के बारे में भी और भी कई सारी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सारथी। खुद को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। फुल एंड फाइनल टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS एजुकेशन ग्रुप लॉन्चेस 20% डिस्काउंट ऑन एकेडमिक फी ऑफ कोर्सेज MBA, BBA, BCA, BFSI एंड GM, D-Pharma, B-Pharma. ऑफर्स बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बेस्ट एकेडमिक सर्विस एंड बेस्ट प्लेसमेंट सर्विस। रजिस्टर टुडे टू अवेल 20% डिस्काउंट। कॉल 9971496497 और विजिट द कैंपस कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अक्षर जुड़े हुए हैं, श्याम लाल हैं जोधपुर से। सवाल पूछ लीजिए अपना। श्याम लाल जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरी बच्ची तीसरी कक्षा में पढ़ रही है लेकिन उसका ऑनलाइन नाम दीपिका हो गई है, जबकि नाम होना चाहिए था दीपेश। तो अब उसका संशोधन मैं कैसे करा सकता हूँ स्कूल में? देखिए, स्कूल में आपको जो भी नाम में संशोधन कराना है यानी अमेंडमेंट करना है नेम में, उसके लिए स्कूल में आपको एक एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ देनी चाहिए कि आपके रिकॉर्ड में मेरी बच्ची का नाम जो हो गया है ये ना होकर के ये है। एफिडेविट में आपको फैक्ट, एफिडेविट आपका 10 रुपये के स्टैम्प पर बनेगा जिसको आप नोटराइज करा के एप्लीकेशन साथ में एनेक्स करते हुए स्कूल में देंगे। स्कूल उसी आधार पर आपकी बच्ची का जो नाम सही होना है उसको करेक्ट कर देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ रमेश जुड़ चुके हैं दिल्ली से, सवाल पूछ लीजिए। हेलो जी रमेश जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर पूछो सवाल मैडम जी। हाँ जी सवाल पूछिए। सवाल ये है रमेश जी, सवाल पूरा करिए। जी हाँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। मेरे फादर काम करते थे किसी कंपनी में जी। मैं किसी कंपनी में काम करते थे, मेरे पिताजी जी। उनको घर मिला हुआ था, कोई एग्रीमेंट नहीं था पहले। मैं 1965 से जी रह रहे हैं हम जी। और वो जो लैंडलॉर्ड है तो वो भी किराए पे थी बिल्डिंग, तो वो उनको किराया देते थे जी। अब मेरे पास एक लेटर आया कि आप खाली करें जी। अब बताओ मैं कैसे करूं, किराया तो कंपनी दे ही रही थी। ठीक है, तो मैं मेरी समस्या अब आई कि आप इन्होंने क्यों दिया 1965 से अब तक जी। देखिए जो समस्या ये है जी, आपके किराएदारी वाला भाग जो है यानी टेनेंसी वाला जो पार्ट है, उस पार्ट में टेनेंसी, एक्चुअल टेनेंसी आपके जो कंपनी के ऑनर हैं उनकी है। उनकी टेनेंसी होने पर उन्होंने आपको एज ए एम्प्लॉय वहाँ रहने के लिए दिया, यानी यूज एंड ऑक्यूपेशन राइट आपको दे दिए उन्होंने। आप यूज एंड ऑक्यूपेशन राइट के आधार पे सिविल कोर्ट में एक इंजंक्शन सूट फाइल करके प्राइम फेसा आप एक स्टे ले लें इस बात का कि आपको फोर्सफुली इजेक्टमेंट आपका ना किया जाए। इसके बाद जो आपको लैंड लॉर्ड द्वारा यानी ऑनर द्वारा जो इजेक्टमेंट का नोटिस दिया गया है, उस नोटिस का आप रिप्लाई प्रॉपर दे दीजिए। और उसके बाद यदि वो कोई इजेक्टमेंट का सूट फाइल करते हैं तो उस इजेक्टमेंट के सूट में आप 1965 से अब तक वहाँ पर रहने के तथ्यों के साथ अपना रिटर्न स्टेटमेंट यानी जवाब प्रस्तुत करिएगा। कोर्ट से आपकी जेन्युइन नीड को यदि कोर्ट एक्सेप्ट करती है तो आपको कोर्ट रिलीफ देगी और आगे एज अ टेनेंट आपको कोर्ट रहने की परमिशन दे सकती है। और यदि आपकी जेन्युइन नीड नहीं होगी तो कोर्ट आपकी फेवर में ऑर्डर नहीं कर सकती है आपको। लेकिन इंजंक्शन सूट का फाइल करते हुए अभी प्रमाण फैसला आपको एक स्टे लेना चाहिए कि आपको फोर्सफुली कोई इजेक्टमेंट ना करे यानी बलपूर्वक कोई बेदखल ना करे। और दूसरा, आपको नोटिस का रिप्लाई देते हुए अपने जो अध्यासन वाला भाग है यानी आपके यूज एंड ऑक्यूपेशन के राइट है उनको आपको सिक्योर करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ गौरी शंकर जुड़ चुके हैं ऋषिकेश से, सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ जी वकील साहब, मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन प्रश्न पूछा था जी। नेशनल कमीशन एक जज फैसला दे सकता उपभोक्ता स्वार्थ का जी? एक जज का उपभोक्ता एक्ट ये कहता है एक जज का फैसला वैलिड नहीं है। देखिए, नेशनल कमीशन के समक्ष यदि कोई पिटीशन फाइल हुई है तो नेशनल कमीशन आपके द्वारा, यदि नेशनल कमीशन के समक्ष कोई भी पिटीशन या अपील फाइल की गई है तो अकॉर्डिंग टू लॉ उस अपील की ग्राह्यता यानी उसकी पोषणीयता पर पहले आर्गुमेंट होगा और न्यायालय के समक्ष पोषणीयता को प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रस्तुत करने वाला है यानी अपील या पिटीशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है, प्रूफ ऑफ बर्डन उसका होगा अर्थात आपका होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होना चाहिए। कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम बात कर रहे हैं कानून को लेकर के, नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। शिवानी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। कंपनी में मर्जर एवं
एक्विजिशन का क्या कुछ कानून होता है। उससे पहले हमारे साथ लता जुड़ चुकी है राजस्थान से, सवाल पूछ लीजिए। लता जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दीजिए। हाँ जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमा कर दीजिए। अच्छा जी, लता जी सवाल करिए। हाँ जी, मेरा आपसे यही सवाल है पर कि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और अच्छा जी ठीक है। हाँ जी कर रहे हैं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और मैं एमए बीएड थी, इन्होंने मेरी सर्विस के दौरान मेरे को कोई भी प्रमोशन नहीं दी और अब मेरे को किसी ने कहा है भी अगर आप केस करो तो आपका अब भी काम हो सकता है। मेरे को लगभग 10 साल होने को है रिटायर्ड हुए, क्या मेरा मतलब कुछ हो सकता है? इन लोगों ने मेरे को कोई प्रमोशन नहीं दी, क्यों नहीं दी? हालांकि जब मैं रिटायरमेंट पे थी, जिस दिन मेरे कागज तैयार हो रहे थे तो मेरे को बीकानेर से लेटर भी आया कि आपने प्रमोशन ली नहीं है, मिली नहीं, तो मैंने उनको जवाब दिया मेरे को तो इन्होंने आज तक दी नहीं। देखिए, जो सर्विस रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो योगदान था, यानी आपकी सर्विस थी 60 ईयर्स तक, उस सर्विस के दरमियान आपको सर्टेन वर्किंग टाइम के बाद में प्रमोशन देना चाहिए। प्रमोशन आपका लीगल राइट है, लेकिन डिपार्टमेंट द्वारा यदि प्रमोशन नहीं दिया गया तो प्रमोशन के लिए दो प्रोसेस होते हैं। पहला ये कि प्रमोशन डिपार्टमेंट सो मोटो दे दे, दूसरा ये जो योगदान देने वाला व्यक्ति है वो प्रमोशन लेने के लिए यदि टाइम पूरा होता है अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स तो उसको अपने बात को रखते हुए अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे ना तो आपने अप्लाई किया और ना डिपार्टमेंट ने आपके जो आपको उन्हें बेनिफिट्स देने थे उस पर संज्ञान लिया, यानी उसमें कॉग्निजेंस लिया। अभी आपका रिटायरमेंट के बाद 10 साल एक लंबा समय व्यतीत हो गया है जो कि टाइम बार्ड भी हो गया है। विद इन अ 3 ईयर्स आपको ये प्रोसेस करना चाहिए था, फिर भी आप डिपार्टमेंट को अभी एक नोटिस दे सकती हैं। उस नोटिस में आपके जो प्रमोशन के कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं उन बेनिफिट्स की रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हैं। यदि आपके नोटिस पर आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आप रिट पिटीशन फाइल कर सकती हैं। उस रिट पिटीशन में आप अपने सर्विस के दौरान मतलब आपके योगदान के दरमियान जो आपको बेनिफिट मिलने चाहिए थे उनको लेने के लिए आप रिलीफ सीक कर सकती हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको हाई कोर्ट से निश्चित रूप से आपके द्वारा किए गए योगदान के अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ राधे श्याम जुड़ चुके हैं हाथरस से, सवाल कर लीजिए अपना। मैं व्यक्तिगत वकील साहब से मिलना चाहता हूं पर्सनल, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है मैडम? जी धर्मेंद्र जी, ये आपसे मैं मेरा आप चाहे तो फोन नंबर नोट कर लें, फोन पर आप बात करने के बाद फिर मुझसे जो भी आपकी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9918937272। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ प्रहलाद जुड़ चुके हैं गोरखपुर से, सवाल कर लीजिए। प्रहलाद जी सवाल करिए। हाँ सर, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार प्रहलाद जी, बताइए। मेरा एक सवाल है जी कि ये हमारे पिताजी ने 72-73 में एक जमींदार से जमीन ली थी, तो जमीन लेने के उपरांत वहाँ जो है उन्होंने कई 50 लोगों को दिया जमीन, पैसा ले करके दिया, लेकिन उसकी जो है कोई लिखा पढ़ी लीगल तरीके से नहीं हुई, उन्होंने रसीद दे दिया। हम लोग जो है हमारे पिताजी मकान बनाना बनवा वगैरह के वहाँ रहना शुरू कर दिया, सैकड़ों लोग वहां बस गए पूरा वहां ना। 1993 में चकबंदी भी हुई, तो चकबंदी वालों ने कब्जा दिखा करके अभिलेखों में नाम चढ़ा दिया। अब वो जमींदार जो है चूंकि उनके और उसी आधार पर जो है मेन काश्तकारी वाले में हम लोगों का नाम भी चढ़ गया। अब कुछ जो है माफिया किस्म के लोग जो है आपको कोई भी बलपूर्वक बेदखल नहीं कर सकता है।
आप 1972 से उस जगह पर अपना बिल्डिंग बना के अध्यासी के रूप में है, यानी उपयोग वो कर रहे हैं। आप प्रतिकूल कब्जा अधिनियम यानी एडवर्स पोजीशन का बेनिफिट ले सकते हैं। सिविल कोर्ट में अपने रहने के, अपने मालिकाना के डिक्लेरेशन का सूट फाइल करिए, सिविल कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट करेगी आपके इतने वर्षों के रहने के दरमियान। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, और सीधे अब आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां पर यूपी सरकार की कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। होम आइसोलेशन का विकल्प भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो पहले से बीमार, वकील आपका मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम कानून के बारे में, हमने आपको साक्ष्य के बारे में बताया, क्या कुछ साक्ष्य को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी है धर्मेंद्र जी ने आपको दी, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी मैं आपके पास आना चाहूंगी, कंपनी में मर्जर एवं एक्विजिशन का क्या कुछ कानून होता है मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी मर्जर एंड अमैलगमेशन का रोल क्या होता है। जब कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर कर लेती है, एक साथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। उसके बाद हम आते हैं कि मर्जर एक्विजिशन में और कौन कौन से टर्म्स इंक्लूडेड होते हैं। मर्जर एक्विजिशन में हमारे जो बहुत सारे टर्म्स इंक्लूडेड होते हैं उसमें होता है एब्जॉर्प्शन, कंसोलिडेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एब्जॉर्व कर लिया, या कंसोलिडेशन, एक कंपनी ने अपने शेयर्स दूसरी कंपनी के साथ कंसोलिडेट कर दिए। इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि ये जब मर्जर एमलगमेशन होता है ये क्यों किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट करने के लिए एक कंपनी एक टाइम पे जितना प्रोडक्शन करती है, अगर उसी तरीके की कोई दूसरी कंपनी के साथ वो मिल जाए तो वो एक बार में डबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मर्जर और एक्विजिशन करने का सबसे बड़ा जो मेन एडवांटेज होता है वो यही होता है। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन, कोई भी कंपनी अपने एरियाज को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अगर सपोज मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में मेरी कंपनी डील कर रही है और दूसरी कंपनी किसी और सेक्टर में डील कर रही है, तो वो दो कंपनीज मर्ज होकर के वो दो सेक्टर्स को एक कंबाइंड कंपनी के साथ मर्ज करके उसमें प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देती हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इसके बाद हम आते हैं सिनर्जीज। सिनर्जीज का मतलब होता है एक कंपनी जो कि मैंने बता दिया डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारे एरियाज में, कॉर्पोरेट सिनर्जीज। कॉर्पोरेट सिनर्जीज का यहाँ पे मतलब होता है कि जैसे एक कंपनी है वो अकेले मिलके जो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है वो दूसरी कंपनी को अपने साथ मर्जर या अमैलगमेट कर लेती है, जिसकी वजह से हमें सिनर्जीज मिल जाती हैं। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है मर्जर और अमैलगमेशन में। उसके बाद आता है हमारा टैक्सेशन बेनिफिट। बहुत सारी कंपनीज जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं वो सिक कंपनीज को टेक ओवर कर लेती हैं। सिक कंपनीज मतलब लॉस मेकिंग कंपनीज, वो कंपनीज जिनका कई टाइम से लॉस चल रहा होता है वो उन कंपनीज को टेक ओवर कर लेती हैं, जिससे उनको बहुत सारे टैक्सेशन बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये हो गए कुछ हमारे एडवांटेजेस। इसके अलावा बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपनी मर्जर एंड अमैलगमेशन करती है। अब मैं बताना चाहूँगी कौन कौन से लॉज हैं जो एप्लीकेबल होते हैं जब हम मर्जर अमैलगमेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारा कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं। हम कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारे प्रोविजन्स हैं अंडर वेरियस चैप्टर्स जो मर्जर एंड अमैलगमेशन का एक सेट स्पेसिफाइड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं मर्जर और अमैलगमेशन के लिए। उसके बाद आता है हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट इसलिए आता है क्योंकि मर्जर और अमैलगमेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ इस तरीके से अमैलगमेट ना कर ले कि वो मोनोपोली क्रिएट कर दे। मोनोपोली क्रिएट करने से हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चरिंग या फिर रिटेलरशिप में इन्वॉल्व हो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीमेंट हो जाए। इस वजह से कॉम्पिटिशन एक्ट का इन्वॉल्वमेंट भी इस मर्जर अमैलगमेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा फेमा। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को रेफर करता है। फेमा का इन्वॉल्वमेंट मर्जर अमैलगमेशन में इस वजह से होता है क्योंकि बहुत सारे अमैलगमेशन हमारे क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स होते हैं।
क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स मतलब हमारी कोई भी इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ जब मर्जर करती है उस केस में क्रॉस बॉर्डर मर्जर हम टर्म यूज करते हैं। उस टाइम पे फेमा केम इनटू पिक्चर। फेमा का रोल बहुत बड़ा होता है इसमें क्योंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। जब भी कोई कंपनी इंडियन कंपनी बाहर की कंपनी के साथ इन्वॉल्व होगी तो उनके जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होने की वजह से फेमा पिक्चर में आ जाता है जब मर्जर एंड अमलगमेशन की बात करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे टेक ओवर रेगुलेशंस। जैसा कि मैंने बताया कि मर्जर अमलगमेशन में बहुत सारे टर्म्स इंक्लूडेड होते हैं जैसे एब्जॉर्प्शन, टेक ओवर, इवन कंसोलिडेशन। तो टेक ओवर, जब हम टेक ओवर की बात करते हैं तो वहाँ पे टेक ओवर रूल्स लगते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी बहुत सारी अदर रोल्स और अदर अथॉरिटीज़ का क्या रोल्स होता है। जब भी कभी हम मर्जर अमलगमेशन प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी हाई कोर्ट का अप्रूवल इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। जब भी कभी मर्जर अमलगमेशन एक स्टेप फॉरवर्ड होता है तो हाई कोर्ट का अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जिनका अप्रूवल ज़रूरी होता है, जैसे हो गई हमारी सेबी, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जिनका अप्रूवल ज़रूरी होता है जब हम मर्जर अमलगमेशन प्रोसेस की बात करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी वैसे तो कंपनीज एक्ट पूरी तरीके से इसमें प्रिवेंट करता है जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं हमारे कंपनी के अगेंस्ट, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है जिस तरीके के कंपनी में फ्रॉड्स हो रहे होते हैं उनको प्रॉपर प्रिवेंट करने के लिए उनके डायरेक्टर्स के खिलाफ और कंपनी में क्या पीनल प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। इसमें आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड एंड सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब मैं बताना चाहूंगी कंपनीज एक्ट में सेक्शन 447 एंड 448 डील्स विद द पनिशमेंट विच आर एप्लीकेबल टू अ कंपनीज। इसमें 447 में पनिशमेंट आती किसी भी तरीके का कोई मटीरियल फैक्ट जब भी कोई कंपनी मर्जर या अमलगमेट करती है उसमें उसको जो फैक्ट्स स्पेसिफाई करने अगर उन फैक्ट्स को वो कंसील करती है किसी भी मटीरियल फैक्ट को वो कंसील करती है उस केस में सेक्शन 447 में उसके तहत उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। प्रोसिक्यूशन की जो पनिशमेंट होती है उसमें जो कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं उनको 6 months का इम्प्रिजनमेंट है और वो इम्प्रिजनमेंट 10 years तक एक्सटेंड करते हैं और इसका जो फाइन है वो फाइन जो है वो जितना भी अमाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है जिस तरीके का भी अमाउंट उन्होंने कंसील करा है या किसी भी तरीके का अमाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व करा है उसका 6 times ऑफ दैट 2 times ऑफ दैट अमाउंट इज इन्वॉल्व इन दैट उसका जो मॉनिटरी पीनल प्रोविजन है उसमें उसको बताया गया है। 5 तरीके के अब मैं रिस्क भी बताना चाहूँगी जो एसोसिएट होते हैं जब मर्जर अमलगमेशन करा जाता है। डिफरेंस इन कल्चर। मेरी कोई कंपनी है, मैं एग्जाम्पल के तरीके से बताना चाहूँगी, मेरी कोई कंपनी है मैंने उसे किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर या अमलगमेट करवाया, मेरी कंपनी का जो कल्चर था वो बहुत अलग था। जिस कंपनी के साथ मैंने उसको कराया मर्जर कराया उस कंपनी का जो कल्चर था वो बिल्कुल डिफरेंट था जिसकी वजह से मिसमैच होने के कारण वो मर्जर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसमें सेकेंड डीमेरिट जो आता है वो होता है एम्प्लॉय का ले ऑफ। ले ऑफ का टर्म यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारी डिफरेंस इन कल्चर जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन करा डिफरेंस इन कल्चर की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं एक एनवायरनमेंट में तो वहाँ पे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ हो जाता है। इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। किसी कंपनी ने किसी कंपनी के साथ मर्जर किया उसमें उसके कितनी असेट्स या कितनी लाइबिलिटीज़ किस तरीके की क्या क्या चीज़ों का मर्जर उसके साथ हुआ। कंपनी की पूरी बैलेंस शीट मर्ज होती है जब भी कोई दो कंपनीज आपस में मर्ज करती हैं तो उस केस में बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगी ये जितना भी प्रोसीजर मैंने बताया है अभी तक मर्जर एक्विजिशन का जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को मर्ज या टेक ओवर या एब्जॉर्प्शन या कंसोलिडेशन कुछ भी करती है उससे पहले हर चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर सिनॉप्सिस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच जी। शिवानी मैं आपसे बात करना चाहूँगी जिस तरीके से हमने कंपनी की बात करी मर्जर की बात करी तो अब कंपनी का नाम सुनते इनकम टैक्स की भी बात आती है तो अगर इनकम टैक्स की बात की जाए तो उसमें आपराधिक कार्रवाई क्या कुछ होती है। जी पिछले संडे मैंने दर्शकों को ये बताया था कि टैक्स इवेजन टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में फ़र्क क्या है। अब मैं बताना चाहूँगी कि टैक्स इवेजन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस इज एक्सेप्टेबल अंडर इनकम टैक्स एज वेल एज अंडर द इंडियन लॉ बट इफ़ यू टॉक अबाउट टैक्स इवेजन इवेडिंग टैक्स टैक्स ना देने के लिए कोई भी ऐसे कार्य करना जो हमारे लॉ में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है
उनके खिलाफ कुछ सेक्शंस के अंदर कुछ पीनल प्रोविजंस हैं जो मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी सेक्शन 275A की, जिसमें किसी भी पार्टी को अगर बोला जाता है कि हमें आपकी, जब भी किसी भी पार्टी के पास रेट पड़ती किसी असेसी के बिजनेस में या उसकी कंपनी में या कहीं भी, तो उसकी कुछ असेट्स को सीज करा जाता है। उस असेट्स को सीज करने के लिए जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, या तो वो उस चीज उस पर्टिकुलर असेट्स को अपने साथ ले जाते हैं, अगर वो उस नेचर की है कि उस पर्टिकुलर असेट्स को वो अपने साथ नहीं ले जा पाते तो वो उसको असेसी के पास ही सीज कर देते हैं, जिसमें कि असेसी कभी भी मना नहीं कर सकता कि आप हमारी इस असेट्स को सीज नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करता है तो उसको सेक्शन 275 के तहत उसको प्रोसिक्यूट करा जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर, और इवन हमारे सीआरपीसी और आईपीसी में भी ये रूल है कि उसको वो इस चीज के लिए कभी भी मना नहीं कर सकता कि हमारी असेट्स आप सीज नहीं कर सकते। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी सेक्शन 275B, जिसमें कोई भी पब्लिक इंस्पेक्टर या कोई भी इनकम टैक्स कमिश्नर अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो असेसी का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसको इंस्पेक्ट करने के लिए पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर कंप्यूटर में है तो वो उसके ऑपरेशंस के लिए उसको हेल्प करे, अगर वो बुक्स अकाउंट्स मैन्युअली है तो वो उसमें, अगर वो इस केस में इनको मना करता है तो 275B के तहत उनको प्रोसिक्यूट करा जाता है। अब मैं आना चाहूंगी 276 में, सेक्शन 276 के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस आते हैं उसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो पे होना चाहिए, अगर आप वो अमाउंट पे नहीं करते हैं तो आपकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटैच होने से यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो आपको देना था इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पे करना था और आपने पे नहीं करा, तो उसमें आपको जो भी आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको अटैच कर लिया जाता है, और उसके लिए अगर आप मना करते हैं तो 276 सेक्शन के अंडर आपको प्रोसिक्यूट किया जाता है। अब मैं बताना चाहूंगी सेक्शन 276B एंड 276BB, इसमें TDS जो कि बोलता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एंड DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं इनका पेमेंट अगर आपने ले लिया, TDS काटा और गवर्नमेंट को पे नहीं किया, TCS कलेक्ट करा और आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किसी कंपनी ने काटा और गवर्नमेंट को पे नहीं किया, उस केस में 276B एंड 276BB के तहत आपको प्रोसिक्यूट करा जाता है अगर आपने ये अमाउंट गवर्नमेंट को पे नहीं किया। जी शिवानी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, रमेश हैं दिल्ली से, सवाल पूछ लीजिए। मैडम जी, जी हेलो, जी सवाल पूछे। मैं ये कह रहा था कि मैं 1965 में मेरे पिताजी और ताऊ जी काम करते थे कंपनी में, जी तो उन्हें घर मिला हुआ था, जी ठीक है, और उसके बाद हम रहते चले गए, मेरे फादर काम करते थे फिर उस कंपनी में, तो उनकी डेथ हो गई, डेथ के फिर वो रहते चले गए, ठीक है जी, जी, जी। अब हमें वो आया है कि भाई नोटिस इलीगल रह रहे, तो पहले तो क्यों नहीं भेजा, आप क्यों भेज रहे हैं ये? देखिए रमेश जी, आपको नोटिस वो कोई ऐसा आधार जिस आधार पे वो आपके अध्यासन वाली जगह को खाली कराना चाहते हैं, यानी आपके प्रमाइसिस को वैकेंट कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नोटिस दिया है। आप उस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई दीजिए और उस रिप्लाई में आप 1965 से अब तक रहने और प्रॉपर रेंट पे होने, इन सारे कंटेंट्स को आप लिखिए। आपको लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई नोटिस का देना चाहिए, और मैंने पूर्व में भी आपको सजेस्ट किया कि आपको कोई फोर्सफुली वहां से इजेक्टमेंट ना करे, इसके लिए आपको एक इंजंक्शन सूट फाइल करते हुए प्रामा फेसाई अपने फेवर में एक इंजंक्शन रिलीफ ले लेना चाहिए, यानी स्टे का एक टेम्परेरी या परमानेंट आधार आपके पास यदि होगा तो आपसे जो भी लैंडलॉर्ड है वो नेगोशिएशन प्रॉपर वे में ऑन दी टेबल करेंगे। आपको लीगल रेमेडी के साथ में ही सिक्योरिटी मिल सकती है, अदरवाइज इजेक्टमेंट का सूट फाइल होने के बाद आपकी टेनेंसी खत्म करके वो आपको बेदखल करने का प्रोसेस कर सकते हैं कोर्ट के द्वारा, और उससे बचने के लिए आपको अपना डिफेंस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वो एक लीगल प्रोसेस है जिसमें आगे आने वाले समय में आपको जाना पड़ सकता है,
प्रणाम फेसाई उनकी नोटिस का रिप्लाई दे दीजिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए शिवानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप जानकारी देने के लिए, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नमस्कार। फिलहाल वकील आपका बस अपना ही देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।